स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, आर्मी भर्ती देखने वाले सभी लड़कों के लिए बुरी खबर है जो 2020 में रैली देख रहे हैं, ठीक है। और मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बताऊंगा कि 2020 में एक भी रैली नहीं होने वाली है और मैं उसे प्रूफ करूंगा नोटिफिकेशन जो आर्मी की साइट पे दी है उसके माध्यम से। और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर में हकीकत क्यों है, हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को बेवकूफ क्यों बना रही है, आर्मी का रजिस्ट्रेशन लगातार हरियाणा में भर्ती क्यों आ रही है और अभी एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, सारी आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आप मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिए, हमारी गवर्नमेंट क्या आर्मी भर्ती को लेकर नियम बदल रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जैसे आर्मी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हरियाणा का सभी भर्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कितनी भर्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, ना ही रैली की डेट आई है और 2020 में एक भी रैली नहीं होने वाली है, उसी को मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ऐसे करता हूं, यहां पे व्यू ऑल पे जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे अक्सर देख रहे हैं कि यहां पे रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, यहां पे भर्तियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और पहले से कुछ भर्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है, और इनकी ना ही रैली की डेट आई है। हमारी गवर्नमेंट इसलिए रजिस्ट्रेशन लगातार करा रही है कि लड़कों में शांति बनी रहे, लड़कों को लगे कि भर्ती होगी, और लड़कों का रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है कि कितने लड़कों की उम्र निकल जाती है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारी आर्मी जो हमारी MN नरवन है उन्होंने ये सोचा है कि लड़कों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, उसके बाद उसका जो एडमिट कार्ड है वो इशू हम कभी भी कर सकते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद कब करेंगे, ठीक है। तो उसे अब मैं प्रूफ करता हूं। यहां तक आपने देख लिया कि लड़कों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है, मतलब आर्मी का रजिस्ट्रेशन अभी बंद नहीं हुआ है, चाहे लड़कों का चाहे लड़कियों की, तो अभी आई नहीं है तो लड़कियों पर बात नहीं करेंगे। और यहां पर चलिए हम प्रूफ करते हैं कि अभी 2020 में एक भी रैली क्यों नहीं होगी, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आर्मी की साइट में ऑनलाइन में हूं, कोई धोखा देने वाली बात नहीं है, आप आर्मी की साइट पे जाके अभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए, यहां पे व्यू ऑल नोटिफिकेशन का, यहां पे आप देख रहे हैं ये कॉर्नर, देखिए ये कॉर्नर आप देख रहे हैं जो COVID-19 की वजह से यहां पे शो कर रहा है, यहां पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या पता चलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, और हकीकत से रूबरू कराना मेरा काम है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। चलो अब आपको प्रूफ करता हूं, यहां पे जो रजिस्ट्रेशन मैंने ही कुछ लड़कों का कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन किया था उनको पोस्टपोन कर दिया है और बताया गया है कि उनकी जो भर्ती होगी 2020 के जनवरी में होगी, ठीक है, 2020 के जनवरी में होगी। यहां पे भी रैली को पोस्टपोन कर दिया था, यहां के भी लड़कों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, यहां पे भी 29 मई में गई, 2020 में रैली की डेट चली गई। सबसे पहले मैंने झारखंड के लड़कों का रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद मैंने उत्तराखंड के लड़कों का किया था, उसके बाद मैंने रांची वगैरह मतलब यहां हिमाचल प्रदेश के भी मैंने किया था, तमिलनाडु के भी लड़कों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन सभी राज्य का हो रहा है, लेकिन रैली का जो डेट है वो किसी भी लड़के की 2020 में नहीं आएगी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। कुछ लड़कों का ये भी डाउट है कि जैसे हम रैली चेकअप में जाते हैं, यहां पे हम आते हैं, ठीक है, यहां पे आ गए, हम रैली शेड्यूल में जाते हैं, यहां पे रैली प्रोग्राम का ऑप्शन है, मैंने क्लिक कर दिया। आप यहां पे क्या करते हो, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो, जैसे आप दिल्ली के हो, आपको लगता है कि दिल्ली की रैली का तो डेट फिक्स है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी, जैसे ईस्ट का मैं चेक कर लेता हूं, ईस्ट का मैं यहां पे जाके चेक करता हूं और यहां पे देखिए ईस्ट का क्या दिखा रहा है, ईस्ट का यही दिखा रहा है कि आपका यहां पे होगा, यहां पे 10वें महीने में होगा, यानी इस समय 6वां महीना चल रहा है और दिखा रहा है कि 10वें महीने में होगा। और इसका रजिस्ट्रेशन मैंने जब लड़कों का किया था तो इसका एडमिट कार्ड आने वाला था पहले ही, और लेकिन 3 महीने और लेट हो गया और ये गया 10वें महीने में, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये भी 10वें महीने में होगा कि नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ यही सोच रही है कि लड़कों में शांति बनाई रखी जाए। हमारे मोदी जी ने एक न्यूज में कुछ दिन पहले ही कहा था कि सभी लड़के आत्मनिर्भर हो जाएं, यानी अपना रोजगार खुद खोजें, और इस समय जॉब को लेकर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और आर्मी की ही एक ऐसी जॉब होती है जो हर साल आती है और लड़का एक बार में मेहनत करता है और एक साल में ही भर्ती हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपनी मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि सभी रैलियों को 2020 में ले जाया जाएगा, ये अनुमान नहीं, मेरा चैलेंज है, मेरी गारंटी है। अगर नहीं होता है, मेरी बातें झूठी लगती हैं, तो कमेंट में तुम मुझे गाली वगैरह जो भी तुम्हें कहना है कह सकते हो। अगर तुम्हें यहां तक वीडियो देख के कुछ सच्चाई पता चली है कि नहीं, हाँ 2020 में ही रैलियां नहीं होंगी, 2021 में होंगी, तो अपने दोस्तों को बताओ कि हकीकत क्या है, यहाँ पे नोटिफिकेशन वो लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी भर्तियों को टाला
जा रहा है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज इनका रजिस्ट्रेशन किया था, तो मुझे मालूम है इनकी रैली डेट अब कब आएगी। यहाँ पे लाइकली का मतलब अभी भी संभावना जताया जा रहा है कि 2021 में आएगी, 2022 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये COVID-19 जो कोरोना वायरस है ये जल्दी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, दिल्ली हो गए, यहाँ पे केस बढ़ता ही जा रहा है, आप न्यूज चैनल उठा के देख लो, ठीक है। तो मुझे जो जानकारी मैंने अपने हिसाब से दिया है, और मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरे चैनल से जितने लड़के जुड़े हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, मैं सिर्फ आर्मी के साइड से जानकारी देता हूं, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं जितने भी लड़के मुझसे जुड़े हैं उन्हें हर टाइम सही जानकारी मिले, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज का पोस्टर बना के झूठ ना बोला जाए उनसे। तो हकीकत जो थी मैंने वो बता दिया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, यहां तक आपने देखा हो, तो धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी और प्यारी जानकारी लेके सच्चाई के साथ आएंगे। जुड़ जाओ हमारे चैनल से, जब भी रैली आएगी हम तुरंत बताएंगे 24 घंटे के अंदर। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे सही और पक्की जानकारी लेके, ठीक है। धन्यवाद।